सब्सक्राइब कीजिए एमए क्लासेस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए लेटेस्ट अपडेट के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुनील कुमार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एमए क्लासेस। इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो से मैं प्रोबेबिलिटी थ्योरी का एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। पूरी प्रोबेबिलिटी थ्योरी को मैं डिफरेंट वीडियो बना करके अपलोड करूँगा। तो सबसे पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर मैथमेटिक्स आप सीखना चाहते हैं और मेरे वीडियो को आप पसंद करते हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को और मैथमेटिक्स का वीडियो देखने के लिए बेल आइकॉन को भी ऑन कर लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का अपडेट आपको मिलते रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ प्रोबेबिलिटी थ्योरी को। सबसे पहले मैं एक्सपेरिमेंट के बारे में बताना चाहूँगा कि एक्सपेरिमेंट क्या है। एक्सपेरिमेंट एक ऑपरेशन होता है, एक एक्शन होता है जिसको करने से कोई वेल डिफाइंड रिजल्ट मिलता है। अगर कुछ वेल डिफाइंड आउटकम्स हो, जैसे मान लीजिए अगर किसी क्वाइन को आप टॉस करते हैं तो क्वाइन को टॉस करने से कुछ वेल डिफाइंड रिजल्ट है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो वो जो परफॉर्मेंस है, ये जो ऑपरेशन है, उसको हम लोग एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो एक्सपेरिमेंट दो टाइप का एक्सपेरिमेंट होता है, एक होता है डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट और दूसरा होता है रेंडम और प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में देखेंगे कि डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट, इफ एन एक्सपेरिमेंट व्हेन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशंस प्रोड्यूस द सेम आउटकम्स एवरी टाइम देन सच एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। आप अगर किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं, रिपीट करते हैं उस एक्सपेरिमेंट को, कई एक बार रिपीट कीजिए अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, सेम कंडीशन में, आइडेंटिकल कंडीशन में उसको एक्सपेरिमेंट को रिपीट करना है और रिपीट करने से प्रोड्यूस द सेम आउटकम्स एवरी टाइम, प्रत्येक टाइम जो है वो सेम आउटकम्स मिलना चाहिए, सेम रिजल्ट मिलना चाहिए। अगर कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट मिल जाए जिसको बार बार अगर हम लोग करते हैं और करने से रिजल्ट जो है वो हमेशा सेम आवे, तो वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। उसका रिजल्ट जो है वो डिटरमाइन रहता है, फिक्स रहता है। जैसे सपोज कीजिए एक ऐसे क्वाइन के बारे में जिसके दोनों साइड हेड है, दोनों साइड हेड है, टेल है ही नहीं, उसका दोनों साइड हेड है, और उस क्वाइन को अगर हम लोग टॉस करते हैं तो फिक्स है क्या रिजल्ट होगा, हेड ही आएगा क्योंकि दोनों साइड हेड है। तो जब भी जितना बार भी हम उसको एक्सपेरिमेंट को करते हैं, जितने बार भी हम लोग क्वाइन को टॉस करेंगे, तो वहाँ पर रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो रिजल्ट हम लोग को पहले से पता है कि क्या रिजल्ट होने वाला है, डिटरमाइन है, तो वैसे एक्सपेरिमेंट को कहते हैं डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट। और नेक्स्ट है रेंडम एक्सपेरिमेंट, या इसको प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो चलिए इसको डिफाइन करते हैं। रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या है, इसको देखिए। इफ एन एक्सपेरिमेंट वन रिपीटेड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन, कोई एक्सपेरिमेंट है आइडेंटिकल कंडीशन में आप रिपीट कीजिए, डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, बार बार उसको हम लोग रिपीट कर रहे हैं, बार बार दोहरा रहे हैं, तो उससे सेम रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए, सेम आउटकम नहीं मिलना चाहिए। आउटकम मीन्स रिजल्ट हो गया, जो किसी एक्सपेरिमेंट को करने से जो रिजल्ट मिलता है उसी को आउटकम कहते हैं। तो डू नॉट प्रोड्यूस द सेम आउटकम एवरी टाइम, प्रत्येक टाइम जो है वो सेम रिजल्ट नहीं मिलना चाहिए, बट द आउटकम इन ए ट्रायल इज वन ऑफ द सेवरल पॉसिबल आउटकम्स। जब किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं, तो उसमें से कोई एक आउटकम मिलना चाहिए, यानी कि बार बार रिपीट करने से सेम रिजल्ट नहीं मिलता है अगर, तो वैसे केस में देन सच एन एक्सपेरिमेंट इज नोन एज ए रेंडम एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए किसी क्वाइन को आप लीजिए और क्वाइन को टॉस करते हैं, आप 10 बार टॉस कीजिए, क्या 10 बार हेड ही मिलेगा? नहीं, हेड बार बार नहीं मिलेगा, कभी वो टेल भी मिल सकता है, कभी वो हेड भी मिल सकता है। तो वहाँ पर जो रिजल्ट होगा वो प्रत्येक बार दोहराने से, एक्सपेरिमेंट को बार बार करने से सेम रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तो वैसे एक्सपेरिमेंट को ही हम लोग कहते हैं रेंडम एक्सपेरिमेंट, या इसको प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। मान लीजिए आप किसी लूडो का पासा लेते हैं और उस लूडो के पासे को आप थ्रो कीजिए, तो थ्रो करने से क्या बार बार अगर 10 बार थ्रो करते हैं तो क्या सेम रिजल्ट मिलेगा? नहीं, सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, बल्कि लूडो के पासा में 1 से 6 तक होता है, तो 1 से 6 तक में से कोई भी एक नंबर मिल सकता है, बार बार दोहराने से अलग अलग रिजल्ट मिल सकता है, सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अगर सेम रिजल्ट नहीं मिलता है तो वैसे एक्सपेरिमेंट को रेंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो दो तरह का एक्सपेरिमेंट हो गया, एक डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट
और एक प्रोबेबिलिस्टिक एक्सपेरिमेंट। तो डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट में किसी एक्सपेरिमेंट को बार बार करने से रिजल्ट सेम मिलता है, तो वैसे एक्सपेरिमेंट को डिटर्मिनिस्टिक एक्सपेरिमेंट कहते हैं। और अगर किसी एक्सपेरिमेंट को करने से बार बार दोहराने से सेम रिजल्ट नहीं मिलता हो, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट मिलता हो, तो वैसे एक्सपेरिमेंट को हम लोग कहते हैं रैंडम एक्सपेरिमेंट। यहाँ जो प्रोबेबिलिटी थ्योरी में हम लोग पढ़ेंगे वो रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में ही पढ़ेंगे। रैंडम एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट मिल रहा है तो उस रिजल्ट का क्या प्रोबेबिलिटी है। तो प्रोबेबिलिटी मीन्स क्या हो गया, आप आम बोलचाल की भाषा में भी सुनते हैं कि मान लीजिए इंडिया ऑस्ट्रेलिया के बीच मैच हो रहा है, तो इंडिया अगर किसी खास स्टेडियम में 10 मैच खेला है तो 10 मैच में से मान लीजिए 7 मैच इंडिया जीता है, 3 मैच ऑस्ट्रेलिया जीता है, तो हम लोग कहते हैं कि आज इंडिया का जीतने का प्रोबेबिलिटी जो है वो ज़्यादा है, उसका संभावना ज़्यादा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी एक संभावना ही व्यक्त करता है, लेकिन हम लोग न्यूमेरिकल तरीके से प्रोबेबिलिटी, जब मैथमेटिक्स में हम लोग प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम लोग न्यूमेरिकल तरीके से पढ़ते हैं। जैसे आप किसी सिक्के को टॉस करते हैं तो सिक्के को टॉस करने पर कहते हैं कि हेड आने की संभावना 50% है, 50% आने की आधा कहते हैं कि इसकी संभावना, हेड आने की संभावना आधा है और आधा जो है वो टेल आने की संभावना है। तो जो हाफ लिख रहे हैं कि हेड आने की जो संभावना है वो 1/2 है, तो ये 1/2 ही प्रोबेबिलिटी हो गया, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2 हो गया। तो अगर हम लोग किसी एक्सपेरिमेंट को जब कर रहे हैं तो जो रिजल्ट मिल रहा है, तो जो रिजल्ट मिलता है उसकी पॉसिबिलिटी क्या है, उसकी पॉसिबिलिटी को अगर हम लोग न्यूमेरिकल तरीके से अगर लिखते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है, तो उसी को प्रोबेबिलिटी कहते हैं। तो प्रोबेबिलिटी को मैं डिफाइन करूंगा, लेकिन प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करने के पहले बहुत सारे टर्म आते हैं, तो मैं सबसे पहले उस टर्म के बारे में बताऊंगा। अब हम लोग देखते हैं सिंपल स्पेस क्या होता है। तो मैं अभी रैंडम एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया हूँ कि ऐसा एक्सपेरिमेंट जिसको बार बार दोहराने से सेम रिजल्ट नहीं मिलता है उसको हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट जैसे मान लीजिए किसी क्वाइन को टॉस करते हैं वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, आप किसी लूडो के पासा को थ्रो करते हैं वो भी रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया, या प्लेइंग कार्ड्स जो होता है, प्लेइंग कार्ड से किसी एक कार्ड को आप अगर सेलेक्ट करते हैं तो वो कार्ड जो है सिलेक्शन जो हम लोग कर रहे हैं वो डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट हो सकता है, अगर अलग अलग बार हम लोग बार बार दोहराएंगे तो वो भी एक रैंडम एक्सपेरिमेंट हो गया। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट करने से बहुत सारे पॉसिबल आउटकम्स मिल सकते हैं। मान लीजिए जैसे लूडो को हम लोग फेंकते हैं, लूडो के पासा को फेंकते हैं, तो वहाँ पर एक्सपेरिमेंट को उसको करने से अलग अलग रिजल्ट मिल सकता है। कितने पॉसिबल आउटकम्स हो सकते हैं उसको, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोई भी नंबर मिल सकता है। तो जितने भी पॉसिबल आउटकम्स मिलते हैं उसका एक सेट बना लीजिए, उसी सेट को हम लोग कहते हैं सिंपल स्पेस। तो देखिए, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट, किसी रैंडम एक्सपेरिमेंट को करने से जितने भी पॉसिबल आउटकम्स मिल रहे हैं उसके सेट को कहते हैं, इज कॉल्ड द सिंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ इट, एंड इट इज डिनोटेड, एंड इट इज जनरली डिनोटेड बाय एस। और सिंपल स्पेस को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, एस से डिनोट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए, इसका एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इफ ए क्वाइन इज टॉस्ड देन, अगर किसी सिक्के को हम लोग टॉस करते हैं तो वहाँ सिंपल स्पेस क्या मिल सकता है, सिंपल स्पेस को एस से डिनोट करते हैं। और सिंपल स्पेस क्या हो गया, जो भी आउटकम्स मिल रहा है, जो भी रिजल्ट मिल रहा है इस एक्सपेरिमेंट को करने से, वो सारे रिजल्ट को यहाँ पर एक लिख दीजिए और उसका एक सेट बना लीजिए। तो क्वाइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड मिल सकता है या फिर टेल मिल सकता है, तो यही दो चीज़ मिल सकता है, इस दोनों का एक सेट बना लेते हैं, दिस सेट इज कॉल्ड सिंपल स्पेस। मान लीजिए अगर दो क्वाइन को एक साथ टॉस करें, If two coins are tossed together, then, अगर दो क्वाइन को टॉस करते हैं तो क्या मिल सकता है, हो सकता है फर्स्ट क्वाइन में भी हेड और सेकेंड क्वाइन में भी हेड मिल जाए, या हो सकता है फर्स्ट क्वाइन में हेड सेकेंड क्वाइन में टेल, या हो सकता है फर्स्ट क्वाइन में टेल सेकेंड क्वाइन में हेड, या फर्स्ट में भी टेल और सेकेंड में भी टेल मिल सकता है। तो ये चार पॉसिबिलिटी हो सकता है अगर दो क्वाइन को एक साथ टॉस करते हैं तो ये जो चार पॉसिबिलिटी है इसका एक सेट बना लिए, दिस सेट इज कॉल्ड सिंपल स्पेस ऑफ दिस एक्सपेरिमेंट। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये कार्टेशियन प्रोडक्ट में आ जाएगा, एच टी और फिर दूसरा भी एच टी, पहले सिक्का का सिंपल स्पेस होता है एच टी, दूसरे क्वाइन का से भी एच टी आएगा, तो ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए तो यही आएगा। देखिए एच एच आ जाएगा ये वाला, एच टी आ जाएगा ये वाला, टी एच आ जाएगा ये वाला, या टी टी आ जाएगा ये वाला। तो दो क्वाइन को अगर टॉस करते हैं तो उसके लिए सिंपल स्पेस ये हो जाएगा। सपोज कीजिए थ्री क्वाइन को अगर टॉस करें तब क्या होगा, देखिए इफ थ्री क्वाइंस आर टॉस्ड टुगेदर, अगर तीन क्वाइन को टॉस करते हैं तो सिंपल स्पेस क्या होगा, फर्स्ट क्वाइन का जो है एच टी, सेकेंड क्वाइन का जो है हेड और टेल,
ये सिंपल स्पेस और थर्ड क्वाइन का भी हेड और टेल आएगा। तो ये तीनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए। मैं अभी दो के बारे में बताया था तो वो दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर रहा था। अगर तीन क्वाइन को टॉस कर रहे हैं तो तीनों का जो सिंपल स्पेस आएगा इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिए। तो यही इस थ्री क्वाइंस को टॉस करने के बाद सिंपल स्पेस बन जाएगा। तो आप कैसे कीजिएगा, ये दोनों का एक साथ लिखिए, कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, एच एच टी टी एच टी टी, और फिर इसका हम लोग करते हैं एच टी के साथ। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, देखिए एच 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 हो जाएगा, तो एच 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 हो गया, एच 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 टी हो जाएगा, फिर एच टी एच हो जाएगा, फिर एच टी टी हो जाएगा, टी एच एच हो जाएगा, टी एच टी हो जाएगा, टी टी एच हो जाएगा, और टी 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 हो जाएगा। अगर तीन सिक्कों के फेंके तो हो सकता है तीनों हेड हो सकता है, फर्स्ट सेकेंड हेड और थर्ड टेल हो सकता है, फर्स्ट हेड सेकेंड टेल थर्ड हेड हो सकता है। इस तरीके से एट आउटकम्स मिल रहा है। तो एट आउटकम्स का ये सेट बना दिए, यही सेट जो है वो सिंपल स्पेस हो गया। इसी तरीके से अगर हम लोग किसी लूडो के पासा को अगर थ्रो करते हैं तो लूडो के पासा को थ्रो करने पर क्या सिंपल स्पेस आएगा, अगर एक को थ्रो करें तो 1 2 3 4 5 6 आ सकता है। लेकिन अगर हम लोग दो पासे को एक साथ थ्रो करते हैं, लूडो का दो पासा ले लीजिए और दोनों को एक साथ थ्रो कीजिए, तो ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट कर दीजिएगा सिंपल स्पेस का। फर्स्ट पासे का ये आएगा, सेकेंड का ये आएगा, 1 2 3 4 5 6, और ये इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट कर देंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने पर 1 1 हो जाएगा, और फिर क्या आएगा, 1 2 आएगा। इस तरीके से आप 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 इस तरीके से आप करके लिख सकते हैं। तो ये टोटल इसमें कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 6 × 6 यानी कि टोटल 36 हो जाएंगे। अगर दो पासे को, दो डाइस को हम लोग एक साथ अगर थ्रो करते हैं तो जो सिंपल स्पेस मिलेगा, सिंपल स्पेस में तो टोटल कितने एलिमेंट होंगे, 36। तो सिंपल स्पेस क्या है फ्रेंड्स, सिंपल स्पेस एक सेट है। अगर किसी एक्सपेरिमेंट को करते हैं बार बार करने से जो भी पॉसिबल आउटकम्स मिल सकता है वो सारे आउटकम्स का एक सेट बना लेते हैं, और दैट सेट इज कॉल्ड सिंपल स्पेस। अब नेक्स्ट देखते हैं इवेंट क्या होता है। किसी रेंडम एक्सपेरिमेंट को अगर करते हैं परफॉर्म तो इवेंट क्या होता है उसके बारे में। ये सबसेट ऑफ द सिंपल स्पेस एसोसिएटेड विथ ये रेंडम एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड एन इवेंट। कोई भी आप सबसेट ले लीजिए, किसका सबसेट लेना है, जो अभी सिंपल स्पेस के बारे में मैं बताया हूँ, तो सिंपल स्पेस का कोई भी सबसेट ले लीजिए, और सिंपल स्पेस जो है वो किसी रेंडम एक्सपेरिमेंट से एसोसिएटेड है, तो सिंपल स्पेस का जो सबसेट होता है उसी सबसेट को इवेंट कहते हैं, और इट इज डिनोटेड बाय ई से डिनोट करते हैं इवेंट को, या कैपिटल लेटर, कोई भी आप अल्फाबेट का कैपिटल लेटर ले लीजिए, ए बी सी वगैरह, तो उससे भी डिनोट करते हैं। जैसे आप एग्जांपल देखिए कि कंसीडर द रेंडम एक्सपेरिमेंट ऑफ थ्रोइंग ए डाई। सपोज कीजिए एक रेंडम एक्सपेरिमेंट क्या कर रहे हैं, कौन सा रेंडम एक्सपेरिमेंट, एक डाई को, एक पासे को हम लोग फेंक रहे हैं। तो पासे को फेंकने पर सिंपल स्पेस क्या मिलता है, 1 2 3 4 5 और 6, ये सिंपल स्पेस हो गया। किसी भी जब पासे को फेंकेंगे तो यही सब नंबर हो सकता है, पॉसिबल आउटकम्स यही हो सकता है, तो पॉसिबल आउटकम्स के सेट को ही सिंपल स्पेस कहते हैं। अब इस सिंपल स्पेस का कोई भी सबसेट ले लीजिए, इसका बहुत सारा सबसेट बनेगा, तो कोई भी सबसेट ले लीजिए, दैट सबसेट इज कॉल्ड इवेंट। जैसे आप एक सबसेट ले लीजिए, 2 4 और 6 हम लोग ले लिए, तो ये जो सबसेट हो गया ये इवेंट हो गया, इसको हम लोग E1 से डिनोट कर रहे हैं। E1 जो है वो एक इवेंट है, क्यों इवेंट है, क्योंकि इसी का ये सबसेट है, तो सबसेट को ही इवेंट कहते हैं। और ये कौन सा इवेंट हो गया, इवेंट मीन्स घटना होता है, तो ये कौन सी घटना हो गया, अगर किसी पासे को फेंकते हैं तो सम संख्या आने का, इवन नंबर आने का इवेंट है ये। आप देख रहे हैं इसमें जो भी नंबर है ये वो इवन नंबर है। अब ये घटना घटित हो, अगर किसी पासे को हम लोग फेंक रहे हैं तो पासे को फेंकने के बाद ये घटना घटित हो, ये इवेंट अकर करे, इसके लिए क्या होगा, क्या करने से ये इवेंट होगा। देखिए इस इवेंट में जितने भी नंबर है उस नंबर में से कोई भी अगर एक नंबर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये इवेंट जो है वो हो रहा है, ये घटना घटित हो रहा है। मान लीजिए हम लोग पासा को फेंके, पासा को फेंकने से 2 आ गया मतलब ये घटना घट रहा है, या 4 आ गया तो भी ये घटना घट रहा है, 6 आ गया तो भी ये घटना घट रहा है, मतलब इस नंबर में, इस सेट में जितने भी नंबर है उसमें से कोई भी अगर एक आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये घटना घटित हो रहा है, ये इवेंट हो रहा है।
अगर मान लीजिए इसमें से जो नंबर है वो नहीं आता, मान लीजिए 5 आ गया, तो 5 आ गया मतलब ये घटना घटित नहीं हो रहा है। तो ये कौन सी घटना है? सम संख्या आने की घटना है, इवन नंबर आने की घटना है। तो हम लोग कहेंगे ये इवेंट ऑफ अपीयरिंग, इवेंट ऑफ अपीयरिंग इवन नंबर, इवन नंबर आने की ये इवेंट है। अब एक दूसरा हम लोग इसका सबसेट लेते हैं, कई एक सबसेट बन सकता है, एक दूसरा सबसेट लेते हैं, मान लीजिए 1 और 2 ले लिए, तो 1 2 इसी का एक सबसेट हो गया, ये जो 1 2 लेकर के सेट बना रहे हैं वो इसी का सबसेट हो गया। तो ये जो सबसेट है ये भी इवेंट है, और ये कौन सा इवेंट है? ये इवेंट 3 से कम नंबर आने का इवेंट है। तो आप इसको कह सकते हैं इवेंट ऑफ अपीयरिंग दोज नंबर विच इज लेस देन 3, 3 से कम आने की ये घटना है। अगर पासा को फेंकते हैं 1 आ गया या 2 आ गया, मतलब 3 से कम आ रहा है, तो ये घटना कब घटित होगा? जब 1 आ जाए या फिर 2 आ जाए। 3 आ जाता है तो ये घटना घटित नहीं होगा। तो ये घटना घटित होने के लिए इसमें जो एलिमेंट है वही होना चाहिए। इस एलिमेंट में से कोई भी अगर एक नंबर आ जाता है तो हम लोग कहेंगे कि ये घटना घटित हो रहा है। तो ये हुआ इवेंट। अब हम लोग देखेंगे टाइप्स ऑफ इवेंट, एक टाइप का इवेंट है उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। तो टाइप्स ऑफ इवेंट में सबसे पहले एलिमेंट्री इवेंट देखिए कि एलिमेंट्री इवेंट क्या होता है। इफ ए रेंडम एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म्ड देन ईच ऑफ इट्स आउटकम्स इज नोन एज एन एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट। अगर किसी रेंडम एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो रेंडम एक्सपेरिमेंट को करने के बाद जितने भी आउटकम्स मिलता है प्रत्येक आउटकम्स को हम लोग कहते हैं रेंडम एक्सपेरिमेंट। मान लीजिए किसी क्वाइन को ही टॉस करते हैं, तो क्वाइन को टॉस करने पर हेड अगर आता है तो हेड भी एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया और टेल भी एक एलिमेंट्री इवेंट हो गया, यानी 2 एलिमेंट्री इवेंट हो गया, एक हेड और दूसरा टेल। या इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स एन इवेंट विच कंटेनिंग ओनली 1 एलिमेंट इज कॉल्ड एलिमेंट्री इवेंट और सिंपल इवेंट। अगर किसी इवेंट में मात्र एक एलिमेंट हो तो वैसे इवेंट को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट या सिंपल इवेंट। जैसे देखिए, मान लीजिए क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, तो क्वाइन को टॉस करने पर हेड या टेल आ सकता है। तो अगर हम लोग कोई इवेंट बनाते हैं, मान लीजिए एक इवेंट बनाते हैं जिसमें सिर्फ एच रखते हैं, हेड आने का इवेंट है, तो ये देखिए इस इवेंट में मात्र एक एलिमेंट है, तो ऐसे इवेंट को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री इवेंट। अब नेक्स्ट आता है इम्पॉसिबल इवेंट। इम्पॉसिबल इवेंट किसको कहते हैं? देखिए सिंपल स्पेस का जो सबसेट होता है उसी को हम लोग इवेंट कहते हैं। तो वी नो दैट फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये तो पहले से हम लोग सेट थ्योरी से जानते हैं कि फाई जो होता है, नल सेट जो होता है, एम्प्टी सेट जो होता है, वो सभी का सबसेट होता है। तो फाई जो है वो एस का भी सबसेट होगा, जहाँ एस सिंपल स्पेस है, एंड हेंस इट इज एन इवेंट। और सबसेट को ही हम लोग इवेंट कहते हैं। फाई जब सिंपल स्पेस का सबसेट है तो फाई एक इवेंट हो गया, और ये जो इवेंट है, दिस इवेंट इज कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। फाई को ही इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। जैसे मान लीजिए अगर हम लोग क्वाइन को टॉस करते हैं, तो क्वाइन को टॉस करने पर सिंपल स्पेस में हेड और टेल दोनों आएगा। अब एक इवेंट के बारे में देखिए, ये इवेंट जो है वो फाई है। फाई को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सिर्फ ब्रैकेट लिख दीजिए और उसके अंदर कुछ नहीं लिखना है, उसको खाली छोड़ दीजिए। तो ये जो है ये फाई हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, ये इसका एक सबसेट है, और इसी इवेंट को हम लोग क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। यानी अगर किसी क्वाइन को टॉस करें तो कोई रिजल्ट नहीं मिले, ना तो हेड मिले ना टेल मिले, ऐसा इवेंट भी होगा, और उस इवेंट को ही हम लोग क्या कहेंगे? इम्पॉसिबल इवेंट। यानी इसकी संभावना बिल्कुल नहीं है। अगर किसी क्वाइन को टॉस करते हैं तो या तो हेड या टेल, कोई तो दोनों में से एक चीज़ तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ कह रहा है कि कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि वो खाली, अगर टॉस किए क्वाइन को तो कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला, तो ये जो इवेंट है इसको इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। क्यों ये भी एक इवेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि ये भी सिंपल स्पेस का सबसेट है, तो सिंपल स्पेस के सबसेट को तो इवेंट कहते ही हैं, इसीलिए एक इवेंट हो गया, लेकिन इस इवेंट को हम लोग कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कंपाउंड इवेंट। कंपाउंड इवेंट क्या होता है? इफ एन इवेंट कंटेन मोर देन 1 एलिमेंट इज कॉल्ड कंपाउंड इवेंट। अगर किसी इवेंट में, इवेंट जो होता है वो सिंपल स्पेस का सबसेट होता है, तो सबसेट जो है वो इवेंट जो है, उस इवेंट में अगर एक से अधिक एलिमेंट है तो उसको हम लोग कंपाउंड इवेंट कहते हैं। मैं अभी इसके बारे में एग्जांपल बताऊंगा।
सर्टन और सियोर इवेंट, सर्टन सियोर और सियोर इवेंट क्या है? वी नो दैट एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, कोई भी सेट अपने का सबसेट होता है, तो इसीलिए सिंपल स्पेस एस जो है वो अपने का सबसेट होगा और सबसेट को ही इवेंट कहते हैं। तो ये जब सबसेट है सिंपल स्पेस का तो ये एक इवेंट हो गया एंड हेंस एस इज एन इवेंट। तो जब एस एक इवेंट हो गया तो इस इवेंट को हम लोग कहते हैं सियोर इवेंट या सर्टन इवेंट। एग्जाम्पल देखिए, जो चार चीज मैं बताया हूँ, सपोज करते हैं अगर किसी लूडो के पासा को अगर हम लोग थ्रो करते हैं तो थ्रो करने पर जो सिंपल स्पेस मिलेगा, यहाँ पर मान लीजिए 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो देखिए, सिंगल एलिमेंट का अगर हम लोग कोई सेट बना दें तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्री इवेंट कहते हैं। ये जो है वो एलिमेंट्री इवेंट हो गया। और अगर हम लोग एक से अधिक एलिमेंट का सेट बना दें, जैसे ये देखिए इसमें 3, 5 और 4 भी है, तो इसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड इवेंट भी कहते हैं या मिक्स्ड इवेंट भी कहते हैं, कंपाउंड इवेंट हो गया। और एक ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ऐसे सेट को हम लोग कहते हैं, ये हो गया एलिमेंट्री, ये कंपाउंड, और इसको कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसको हम लोग इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। और सियोर इवेंट क्या कहते हैं, ये पूरा एस जो ले लीजिए, पूरा एस जो है वो भी एक इवेंट हो गया, पूरा सिंपल स्पेस, इसी को हम लोग कहते हैं सियोर इवेंट भी कहते हैं या फिर सर्टन इवेंट भी कहते हैं। तो ये अभी हम लोग चार टाइप्स के बारे में पढ़े हैं, और भी कई एक टाइप का इवेंट होता है, तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। और इस वीडियो को आप अगर पसंद कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। पसंद आ रहा है वीडियो तो इसको लाइक भी कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि कैसा ये वीडियो लगा आपको। तो मैं इसी तरीके का वीडियो फिर और इसके आगे जो पढ़ाना है मुझे, बताना जो है, उसका वीडियो मैं अपलोड बहुत जल्द ही करूँगा। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।